पानी के लिए राजधानी दिल्ली में तुराही माम मचा हुआ है। एक तो 47 से 48 डिग्री का टेम्परेचर और ऊपर से पानी की किल्लत, दिल्ली वालों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। मई से जो जल संकट शुरू हुआ था वो अब जून में गहराता जा रहा है। पहले तो दिल्ली के आम लोगों को पानी की समस्या से दो चार होना पड़ रहा था, अब जल संकट की चपेट में लुटियंस दिल्ली के लोग आ गए हैं, क्योंकि जल संकट को लेकर एनडीएमसी ने एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसके मुताबिक उन इलाकों में भी एक ही टाइम पानी आएगा जहां पहले दिन में दो बार टैंकर भेजे जाते थे, नल से हर टाइम पानी आता था। एनडीएमसी ने लुटियंस जोन इलाके में पानी की कमी को लेकर अलर्ट जारी किया है और लोगों से पानी बचाने के लिए कहा है, क्योंकि अब इन इलाकों में 40% तक की कमी हो गई है। जल बोर्ड से एनडीएमसी को पूरा पानी नहीं मिल रहा है। दिल्ली में हर दिन 916 एमजीडी पानी का प्रोडक्शन हो रहा है, जबकि दिल्ली को जरूरत हर रोज 1000 एमजीडी की है। एनडीएमसी अधिकारियों ने बताया कि तिलक मार्ग और बंगाली मार्केट के भूमिगत जलाशयों में दिल्ली जल बोर्ड से कम पानी मिल रहा है, इसलिए लुटियंस दिल्ली के कुछ हिस्सों में पानी की आपूर्ति प्रभावित होगी और दिन में एक बार केवल सुबह के समय ही पानी उपलब्ध कराया जाएगा। तो एनडीएमसी ने वाटर सप्लाई के लिए जो एडवाइजरी जारी की है उसके मुताबिक राजधानी दिल्ली का वीवीआईपी एरिया प्रभावित रहेगा। ये इलाके हैं अशोका रोड, पुराना किला रोड। आइए आपको बताते हैं कि कहां कहां पर पानी की किल्लत अब लोगों को झेलनी पड़ेगी। अब देखिए, बंगाली मार्केट के लोगों को एक टाइम पानी मिलेगा, अशोका रोड के लोगों को एक टाइम पानी मिलेगा, एचसी मथुरा लेन, कोपरनिकस मार्ग, पुराना किला रोड, बाबर रोड, बारह खंबा रोड, केजी मार्ग, विंडसर पैलेस, फिरोज शाह मार्ग और कैनल लेन, ये वो इलाके हैं जो कि लुटियंस दिल्ली में आते हैं और यहां पर भी लोगों को पानी की किल्लत से दो चार होना पड़ेगा। एनडीएमसी ने साफ कर दिया है कि अब एक टाइम ही पानी आएगा। लुटियंस दिल्ली के इस इलाके में जल संकट का मतलब है कि कई केंद्रीय मंत्रियों के घरों में पानी की किल्लत हो जाएगी। सत्ता पक्ष विपक्ष के कई बड़े लीडर्स के घर इस एरिया में आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के कई जजेस के घर भी इस एरिया में हैं, कई बड़े उद्योगपतियों के घर भी इस एरिया में हैं और कई फाइव स्टार्स जो होटल हैं वो भी इसी एरिया में हैं। तो आप समझिए कि अब सिर्फ आम लोगों को पानी के संकट से दो चार नहीं होना पड़ेगा, बल्कि अब माननीयों को भी पानी के संकट से दो चार होना पड़ेगा और शायद तब जाकर दिल्ली की जनता का दर्द नेताओं को समझ में आएगा जब उनके घर पर भी पानी की सप्लाई को लिमिटेड कर दिया जाएगा। वैसे तो पानी की सप्लाई की जिम्मेदारी दिल्ली जल बोर्ड की होती है, लेकिन एनडीएमसी ने एडवाइजरी जारी की है क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड से कम वाटर सप्लाई की सूचना मिली है, जिसके बाद एनडीएमसी ने लोगों से अपील की है कि पानी की सप्लाई कम होगी। जो अपील एनडीएमसी की तरफ से की गई है वो ये कि पानी की सप्लाई कम है इसलिए बर्बादी ना करें, विवेकपूर्ण तरीके से पानी का इस्तेमाल करें और यह भी कहा गया है कि अगर कहीं पानी लीक है तो उसे तुरंत रिपेयर कराया जाए। पीने के पानी का इस्तेमाल धोने में ना करें, यह साफ तौर पर कहा गया है कि पानी जो पीने का है उसका इस्तेमाल सिर्फ पीने के लिए करें, बाकी घर के किसी भी कामकाज में पीने के पानी का इस्तेमाल ना करें। यह एडवाइजरी अब एनडीएमसी की तरफ से जारी कर दी गई है। राजधानी दिल्ली के वीवीआई के इलाकों में चाणक्यपुरी की भी गिनती होती है। चाणक्यपुरी एरिया में ही संजय कैंप भी है जहां पिछले एक महीने से पानी की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं। 47 से 48 डिग्री के तापमान में भी लोग धूप में खड़े होकर टैंकर का इंतजार कर रहे हैं, चूंकि पानी की सप्लाई कम है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में हर रोज जल संकट गहराता जा रहा है और दिल्ली वाले पानी के लिए तरस रहे हैं। इस वक्त मैं चाणक्यपुरी इलाके के संजय कैंप इलाके में हूं और यहां पर ये पानी के लिए डब्बों की लाइन बयां कर रही है कि दिल्ली में पानी की स्थिति क्या है और पानी के लिए किस तरीके से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। चूंकि हर रोज सुबह के समय और शाम के समय लोगों के लिए पानी के लिए इसी तरीके की डब्बों की लाइन लगती है और जब टैंकर यहां पर आता है तो लोगों में मारामारी मच जाती है कि किसी भी तरीके से उन्हें कुछ पानी मिल जाए ताकि दिन भर का काम चल सके। लेकिन दिल्ली के कई इलाकों में इसी तरीके का जल संकट गहराया हुआ है और जैसे जैसे भीषण गर्मी की तपिश बढ़ी हुई है वैसे वैसे पानी का भी संकट काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो एक तरफ भीषण गर्मी की तपिश, दूसरी तरफ पानी का संकट गहराया हुआ है, उसको देखते हुए कोई समाधान फिलहाल दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं किया जा रहा है और हर रोज का काम यही है कि हर परिवार से एक से दो लोगों की ड्यूटी लगती है और सुबह सुबह इसी तरीके से अपने अपने घर से डब्बे लाए जाते हैं और पाइप लाया जाता है कि पानी का टैंकर यहां पर आएगा और अपने जरूरत के लिए पानी भर लेंगे और इसी तरीके से मारामारी हर रोज बचती है। लड़ाई होती है,
लड़ाई होती है? लड़ाई होती, पानी नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता इसलिए लड़ाई होती है। किसी को मिल गया, किसी को नहीं मिलता, हर रोज का काम है। समस्या यही है हमारी, पानी का समस्या ज्यादा है, और कोई चीज का हम लोग का समस्या नहीं है, खाली पानी का है। ये डब्बे कैसे रोज आप लोग कितने लोग भरते हैं? भैया का भी मिल जाता है तो 15 भर लेते हैं, 40-50 ऐसे जितना मिलता है उतना भरता है, नहीं मिलता है तो क्या करे, खाली ले जाते हैं। हर परिवार से एक से दो लोगों की ड्यूटी यही है कि पानी के डब्बे लेकर यहाँ टैंकर आने का इंतजार करते हैं, और जैसे टैंकर आता है जितना जिसको पानी मिल पाता है वो लोग अपने लिए स्टोर करते हैं। लेकिन दिल्ली में पानी को लेकर किस तरीके से हाहाकार मचा हुआ है, ये तस्वीर साफ उसकी गवाही दे रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जब यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड का टैंकर पहुँचा है उसके बाद अपना अपना पाइप लगाने को लेकर किस तरीके से लोगों में मारामारी मची हुई है, आपाधापी मची हुई है कि किसी भी तरीके से उनका पाइप अंदर डाला जाए। और जो लोग सुबह 6 बजे से यहाँ पर अपना अपना बाल्टी और टब लेकर बैठे हुए थे उनको कुछ पानी मिल सके, देख सकते हैं कि किस तरीके से आपाधापी मची हुई है। पाइप लोग खींच रहे हैं एक दूसरे का, और पाइप खींच कर टैंकर में डालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस तरह से कुछ पानी ये भर सके और पूरे दिन का पानी का काम चलाया जा सके। चूंकि दिल्ली में लगातार पानी का संकट गहराता जा रहा है, यहाँ के लोगों का कहना है कि पहले के मुकाबले यहाँ पर जो पानी की सप्लाई है वो आधी कर दी गई है, जिसकी वजह से जल संकट और भी ज्यादा गहरा गया है।